नमस्कार, मैं हूं हेमंत और आप देख रहे हैं सेंट 24। रुक कर लेते हैं अभी तक के हम खबरों पर। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेता व महासमुंद जिले के प्रभारी कन्हैया अग्रवाल का एक दिवसीय दौरा सरायपाली में, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर संगठन के विभिन्न गतिविधियों को लेकर कार्यकर्ताओं से सलाह मशवरा किया। इस दौरान कांग्रेस पार्टी व संगठन की मजबूती के लिए कई टिप्स दिए। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेता एवं महासमुंद जिले के प्रभारी कन्हैया अग्रवाल का सरायपाली में एक दिवसीय प्रवास हुआ। इस दौरान उन्होंने यहां के कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और संगठन के विभिन्न गतिविधियों पर कार्यकर्ताओं से सलाह मशवरा की तथा कांग्रेस पार्टी और संगठन की मजबूती के लिए अनेक टिप्स दिए। सरायपाली के नगर पालिका अध्यक्ष अमृत पटेल के निवास पर वरिष्ठ नेता कन्हैया अग्रवाल ने पहुंचकर पार्टी कार्यकर्ताओं से संगठन के विभिन्न गतिविधियों की जानकारी ली और सरायपाली ब्लॉक कांग्रेस कमेटी शहर की ओर से किए जा रहे संगठन की मजबूती के लिए कार्यों की सराहना की। कांग्रेसी नेता कन्हैया अग्रवाल ने इस दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि केंद्र की मोदी सरकार द्वारा लाए गए नए किसान कानून का कांग्रेस पार्टी पुरजोर विरोध करती है। इससे किसानों की आज़ादी छिन जाएगी और किसान स्वतंत्र होकर कार्य नहीं कर पाएंगे। नए किसान कानून देश के किसानों के लिए काला कानून है। किसान इससे गुलाम बन जाएंगे और औद्योगिक घरानों के हाथों की कठपुतली बनकर रह जाएंगे। कांग्रेसी नेता अग्रवाल से जब संगठन को लेकर एक सवाल किया गया और कहा गया कि महासमुंद जिले में कांग्रेस कई भागों में बटा हुआ है, संगठन की मजबूती के लिए किस तरह के उपाय किए जा रहे हैं, तब उनका कहना था कि संगठन महासमुंद जिले में काफी मजबूत है और इसी का परिणाम है कि जिले में सभी चुनाव कांग्रेस पार्टी जीतते आई है। आगामी दिनों पार्टी संगठन के लिए कार्यकारिणी की भी जल्द ही पदाधिकारी नियुक्त होने वाले हैं। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से मजबूत है और कहीं कोई भी बिखराव नहीं है। कांग्रेस नेता कन्हैया अग्रवाल के आगमन पर उनके साथ सरायपाली नगर पालिका अध्यक्ष अमृत पटेल, वरिष्ठ कांग्रेसी दीपक शर्मा, जयंत चौधरी, गोपाल अग्रवाल सहित अनेक वरिष्ठ कांग्रेस जन मौजूद रहे। पूरे छत्तीसगढ़ में किसान मजदूर बचाओ अभियान कांग्रेस पार्टी का चल रहा है और ये अभियान अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आदेश पर पूरे देश में चल रहा है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने किसानों को खेती से विमुख करने का एक षड्यंत्र किया है, किसान को समाप्त करने का प्रयास हो रहा है, उसके खिलाफ देश में आंदोलन चल रहा है। कारपोरेट घरानों को एक तरह से पूरी खेती सौंप देने का षड्यंत्र हो रहा है। तो देश में जो आह्वान है, आज पूरे देश में प्रदेश में वर्चुअल रैली का कार्यक्रम, उस कार्यक्रम के साथ साथ में जो मूल उद्देश्य है किसानों के साथ एक बिल है कॉन्ट्रैक्ट खेती का, दूसरा कॉरपोरेट घरानों को जो असीमित संग्रहण का जो अधिकार दे दिया गया है, वो ये दो महत्वपूर्ण चीज़ें, न्यूनतम समर्थन मूल्य की कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य यदि नहीं मिलेगा तो किसान अपना जो है उपज का सही मूल्य नहीं पा पाएगा, और यदि संग्रहण के लिए असीमित संग्रहण को एक व्यक्ति करने लगेगा तो कृत्रिम कमी पैदा करके मूल्यों में भारी वृद्धि होगी। इन सब बातों का कांग्रेस भरपूर विरोध कर रही है, पूरे देश में कर रही है, और ये राजनीतिक विरोध नहीं है, क्योंकि पूरे देश का किसान यदि आंदोलन रहता है तो स्पष्ट हो जाता है कि किसानों को बचाने के लिए ये आंदोलन है। और इस आंदोलन में कांग्रेस भाजपा नहीं देख करके केवल किसानों के हित के संदर्भ में सभी लोग सामने आ रहे हैं। RSS का सहयोगी संगठन भारतीय किसान संघ भी यदि इस आंदोलन में है तो स्पष्ट है कि मोदी सरकार की नीतियां गलत है और ये काला कानून हर हालत में वापस लिया जाना चाहिए। इसके लिए आंदोलन लगातार तब तक जारी रहेगा जब तक ये काला कानून वापस नहीं होगा। एक दूसरा मुद्दा है, महासमुंद जिले के आप कांग्रेस के प्रभारी हैं, यहाँ पर कांग्रेस जो है कई धड़ों में बंटा हुआ है, संगठन मजबूत नहीं दिख रहा है, क्या कारण? ऐसा कुछ नहीं है, ये एक ऊपरी अवधारणा रहती है। संगठन मजबूत है इसीलिए हम इस जिले की सभी सीटों को जीत करके आए हैं और उसके बाद नगर पालिका, नगर पंचायत, जिला पंचायत सभी चुनाव हम लोग सफल हुए हैं। संगठन बहुत अच्छे से काम कर रहा है, नई कार्यकारिणी भी बहुत जल्दी आएगी और सब लोगों की सहमति से ही पूरा संगठन पहले चला है, आगे भी पूरा संगठन जो नया तैयार होगा वो भी सबकी सहमति से होगा। महासमुंद से किशोर कर की रिपोर्ट, ACN 24।